उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने SC ST के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पर सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, समाज को, लोगों को इज्जत दी है और उनको उनका जो उचित सम्मान है वो देने का काम किया है, विकास से जोड़ने का काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, शिक्षा पे काम किया, रोड्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। आज एक बार फिर से जिस प्यार में और जिस मोहब्बत से ये समाज, पूरा ब्राह्मण वर्ग माननीय समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, उसको देख करके उसकी चिंता इनको सता रही होगी, इसी वजह आज उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी बनने जा रही है।